हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल से जुड़ी एक अपडेट के बारे में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड, कुछ समय पहले खबर आई थी कि किसी कारणवश सुपरस्टार अक्षय कुमार हेरा फेरी की अगली फिल्म नहीं करना चाहते हैं, जिसके बाद कई तरह की बातें हुई थी और पता चला था कि कार्तिक आर्यन इस फिल्म का हिस्सा होंगे। वहीं हम आपको बताते चले तो अब एक बार फिर से खबरें आई हैं कि अक्षय कुमार 3 ऐसे दमदार प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने वाले हैं जिसमें उनके साथ सुनील शेट्टी और परेश रावल होंगे। वहीं हम आपको बताते चले तो मीडिया रिपोर्ट से ऐसी खबरें आई है कि तीनों ही प्रोजेक्ट्स सीक्वल्स होंगे और पहले रिलीज होकर धमाका कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट से ऐसी खबरें आ रही कि ये तीनों सितारे हेरा फेरी 3 के साथ आवारा पागल दीवाना और वेलकम के सीक्वल में नजर आने वाले हैं। वहीं आपको बताते चले तो ये तीनों ही फिल्में शानदार थी और देखना होगा कि इसको लेकर काम अब शुरू किया जाएगा। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है कि फिल्मों के करीबी सूत्रों ने इसको लेकर पहले ही पुष्टि कर दी है। वहीं हम आपको बताते चले तो फैंस इसलिए खुश है क्योंकि अक्षय कुमार हेरा फेरी 3 के लिए वापस आ गए हैं। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल ने हाल ही में मुंबई के एक स्टूडियो में एक विशेष प्रोमो वीडियो शूट किया था। हम आपको बताते चले तो हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार के ना होने की जब खबरें आई थी तो फैंस काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और वो नाराज भी हो गए थे। वहीं एक तरफ कार्तिक आर्यन के फैंस हेरा फेरी 3 में कार्तिक आर्यन को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थे। हम आपको बताते चले तो मुंबई के एक स्टूडियो में जो प्रोमो वीडियो शूट किया गया था, रिपोर्ट्स की माने तो यह नया प्रोमो वीडियो 3 बैक टू बैक फिल्मों के लिए ही था। अक्षय कुमार की बात करें तो वो लगातार अपनी आने वाली फिल्म सेल्फी को लेकर बिजी हैं और काफी जल्दी एक बड़ा धमाका करने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। और अभी हाल ही में सेल्फी फिल्म का न्यू टीजर और ट्रेलर जारी किया गया था, जिसे फैंस ने काफी ज्यादा पसंद भी किया था और फैंस के रिएक्शन भी काफी अच्छे आए थे। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल को 3 नए प्रोजेक्ट्स में देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।